यातायात पुलिस एवं सिटी थाना प्रभारी अवनीश शर्मा के मार्गदर्शन में दिन भर दोपहिया वाहनों पर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान उन सभी दोपहिया वाहन चालकों को चिन्हित किया जा रहा है जो बिना किसी कारण के शहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों गुना कलेक्टर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत कोई भी दोपहिया वाहन गुना की सड़कों पर घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए था। साथ ही ऐसा कहा गया था कि जिनको भी मार्केट में निकलना है उन्हें आदेश दिया गया था कि वह बिना गाड़ियों के ही निकलें। उसके बावजूद भी शहर में मनचले युवक दोपहिया वाहनों पर दिन भर तेज चलाते हुए शहर की सड़कों पर निकलते हैं। आज इन लोगों को चिन्हित कर उनकी गाड़ियों पर लाल रंग का पेंट लगाया गया जिससे गाड़ियों की पहचान आसानी से की जा सके। थाना प्रभारी अवनीश शर्मा के अनुसार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा दूसरी बार गाड़ी को पकड़े जाने पर उसका विधिवत आर्थिक चालान किया जाएगा। आपकी इसका कारण ये है कि आप लोग बार बार जरा जरा सी चीजों के लिए मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं जबकि मोटरसाइकिल और फोर व्हील पर बैन किया गया है। अतः आप अपनी मोटरसाइकिल से बाजार में ना आए छोटी मोटी चीजों के लिए, कोई बड़ा काम, कोई बीमार हो तो ही इस मोटरसाइकिल को लेके आए। आज आपकी मोटरसाइकिल को ये लाल रंग से पोता गया है, आपको वार्निंग दी गई है कि आप अपनी गाड़ी का उपयोग ना करें। अब अगर आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपके खिलाफ अपराध कायम होगा और आपकी गाड़ी अब 3 महीने बाद ही छूटेगी। इस बात का ध्यान रखें और इस गाड़ी को लेके ना आए। अपने परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को, मित्रों को, सभी को ये मैसेज दें कि हमारी गाड़ी को लाल पोता है, हमको वार्निंग दी है, आप लोग भी अपने बाजार में छोटे मोटे काम के लिए गाड़ी लेके ना जाए।